सिख कौम बारे मन्या जांदा है कि इस कौम ने इतिहास सिरजा तां जरूर पर इस नूं सांभिया नहीं। इतिहास तों सीध लै के ही कौमां अपना अगला राह तय करदियां हन अते होर इतिहास सिरजदियां हन। अज असीं तुहानूं इतिहास दे उस पन्ने नाल रूबरू करवाउण जा रहे हां जिन्हां बारे 99% तों वी वध सिखां नूं नहीं पता होवेगा। 18वीं सदी दे सिख राज दे बारे सानूं अक्सर ही दस्या जांदा है कि सिखां ने दिल्ली दे लाल किले ते झंडा चढ़ा दिता सी, यानी कि सिखां ने दिल्ली तक राज किया। अते इह अखाणां वी सिरजियां गईआं हन कि सिखां लई दिल्ली मारनी ते दिल्ली मारनी इक बराबर है। पर इतिहास नूं फरोलदिआं सिख राज दे इक होर नील पत्थर बारे सानूं पता चलिआ। स्विट्जरलैंड दे इतिहासकार हैंस हरली ने अपनी किताब दी कॉइन्स ऑफ सिख विच जारी कीते नानक शाही सिक्क्या बारे अहम जानकारी दित्ती। एक सिक्के बारे पढ़ के बड़ी हैरानी हुई, जो सिक्का सिखा ने राजपूतां दे देश राजपूताना दी धरती जयपुर यानी कि अज दे राजस्थान विच जारी कीता सी। इस सिक्के दे उपर लिखे होया सी गुरु गोबिंद सिंह अते जयपुर, यानी कि सिखा ने राजपूतां दे देश विच भी गुरु गोबिंद सिंह दे नाम दा सिक्का चलाया सी। इतिहास विच अजिही किते भी इह मिसाल नहीं मिलदी कि किसे होर राज दा सिक्का किसे होर राज विच चलाया गया। अते होर जानकारी लैण ते पता लग्गिया सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया ने महाराजा जवाहर सिंह दी भरतपुर विच मदद कीती अते प्यो सूरजमल दी मौत दा बदला नसीब अब्दुल्ला नूं दिल्ली विच हरा के लिया। अते इस तों बाद 1705 ईस्वी दे विच सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया ने 25,000 फौज नूं लै के राजपूतां दी राजधानी जयपुर उत्ते हमला कर दिता। 25,000 दी फौज विच उन्हां दे नाल 10,000 घुड़सवार भी सन। अते उस समय राजपूतां दे महाराजा सिवाय साधु सिंह ने सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया तों हार कबूल ली अते उन्हां नूं नजराना भेट कीता। उस समय सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया ने सिवाय साधु सिंह तों गुरु गोबिंद सिंह जी दे नाम दा सिक्का जारी करवाया। इस तों बाद सिखां ने ढोलपुर दे महाराजा नाहर सिंह उत्ते हमला कीता जो कि जवाहर सिंह दा भरा सी। अते नाहर सिंह ने अपनी मदद दे लई मराठा फौज दा सहारा लिया अते सिखां ने सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया दी जरनैली हेठ 1766 विच मराठा फौज नूं पूरी तरह हरा के उन्हां तों कई सौ घोड़सवार धन दौलत खो लई अते उन्हां तों नजराना वसूल के पंजाब नूं वापस परत आए। उदों सिखां ने जयपुर दे राजे तों गुरु गोबिंद सिंह जी दे नाम दा सिक्का जारी करवाया सी। सब तों पहला गुरु नानक देव पातशाह ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे नाम दा सिक्का बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सिख राज कायम करन वेले जारी करवाया सी। दुनिया भर दे सिक्कियां विच हैंस हरली नूं बाबा बोर्ड दे नाम तों याद कीता जांदा है। हैंस हरली ने दुनिया भर दे सिक्कियां दी स्टडी कीती पर उह सब तों वध प्रभावित सिख सिक्कियां तों होया। उस अनुसार दुनिया ते करोड़ां लोक आए, उन्हां ने राज कीता अते करोड़ां सिक्के चले। सिर्फ सिख ही इकल्ले अजिहे ने जिन्हां ने अपने गुरु साहिबाना दे नाम ते सिक्के चलाए। ਉਹ ਚੇਚਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਉਸਨੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗਿਲਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੈਂਸ ਹਰਲੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਬਾਰੇ।